इस वीडियो पे आपने क्लिक कराया तो उसका मतलब ये कि आप पबजी ज़रूर खेलते होंगे, और अगर आप पबजी खेलते हैं तो आपके लिए वीडियो ज़रूरी हो सकती है, क्योंकि मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ पबजी के ट्रिगर्स जो कि है बहुत ही कमाल के। सबसे कमाल बात इसमें यह की है, यह सिर्फ 119 रुपीज़ के, जी हाँ 119 रुपये के ये ट्रिगर है। ये आपको मतलब मैंने बड़ी मुश्किल से कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाला है, तो ये मुझे फ्लिपकार्ट पे मिला है इतने कम प्राइस के। बाकी अगर आप देखो तो 300-400 ऐसे हैं, उससे ज़्यादा के ही है मैंने ढूंढ के निकाला है, क्योंकि यार बहुत लोग इससे गेम इम्प्रूव हो जाता है काफ़ी हद तक। मतलब आप रनिंग करते हुए भी आप शूट कर सकते हो, मतलब काफ़ी हद तक आपका गेम इम्प्रूव हो जाता है। ये मैंने पहले से काट के रखा है, अभी मैं आपको इसकी अनबॉक्स दिखाऊंगा। आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। गाइज ये रहे वो ट्रिगर्स, बेसिकली ये दो हैं, एक मेरे फ्रेंड ने मंगाया है और एक ये मैं यूज़ करूँगा। फिलहाल अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ, दोनों की दिखा देता हूँ, बेसिकली आप लोगों को देखना ही तो है। अगर हम वैसे इस बॉक्स को देखें तो यहाँ पर पता नहीं चाइनीज़ में लिखा है या जापानीज़ में लिखा है, मैं इसे फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। जिसे नॉलेज हो इस चाइनीज़ के बारे में तो वो मुझे बताना भाई कमेंट में कि चाइनीज़ है कि जापानीज़। इसे अगर अलग रखते हैं तो उसके बाद में इसे अगर हम खोलते हैं तो यहाँ पर दिख जाते हैं हमारे ट्रिगर्स रखे हुए, जो कि यार बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। मतलब एक झलक में ही काफ़ी अच्छे से लग रहे हैं ये दिखने में। इस तरह से गाइस इनको ऐसे खेलते हैं, ऐसे इन्हें दबाया जाता है। ये है मतलब दो का पेयर आता है इसमें, एक आप फ़ोन के इस तरफ लगाइए और एक इस तरफ। और इसे अगर हम ध्यान से देखें ना तो बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी। और यहाँ पर इसे पीछे से घुमा के देखूँ तो गाइज इसे अब ध्यान से देखो तो ये है वो जिसे इसे प्रेस करने से ये बाहर आता है। अगर ध्यान से देखो तो इसे अगर हम प्रेस करते हैं तो ये बाहर आता है, और ये है जो आपकी स्क्रीन पे टच होके आपको मतलब आप जो भी बटन वहाँ पे असाइन करेंगे उसे दबाएगा। बिल्ड क्वालिटी मुझे ठीक लग रही है, काफ़ी सही लग रही है, 119 के हिसाब से सही है। अब मैं इनको आपको फ़ोन में लगा के दिखाता हूँ कि कैसा है। तब तक इसे भी, ये भी दूसरा पेयर है, इसे भी आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ जल्दी से। ये रहा गाइस, हो गया अनबॉक्सिंग। कितनी जल्दी अनबॉक्सिंग आपने पहली बार देखी होगी, है ना। वापस डाल दो इन्हें डब्बे में, चुप रहिए आप। गाइस एक और चीज़ इसमें देखो, ये काफ़ी छोटी सी चीज़ है लेकिन इसमें डिटेलिंग काफ़ी अच्छे से करी हुई है इन्होंने। तो ये देखो यहाँ पर जैसे आप इसे फ़ोन पे सेट करते हैं तो फिर ये लॉक है, इस लॉक को अगर आप ऐसे लगा दो तो ये मतलब फ़ोन से हिलेगा नहीं, मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी इससे। फिर मैं इसे अब आपको फ़ोन में लगा के दिखाता हूँ ये कैसे चलता है। एक तो यहाँ पर लगा लेंगे हम भाई, एक ये लग गया है और एक अब दूसरा एक और लगा देता हूँ मैं, पर उससे पहले मुझे लगता है लेआउट सेट कर लेना चाहिए हमें। भाई ये मैंने दोनों के दोनों ये लगा दिया है, अब इसके बाद मैं एक बार ट्रेनिंग मोड में जाके आपको दिखाता हूँ कि कैसे चलता है ये। इसके लिए आपको अपना लेआउट भी चेंज करना पड़ेगा, लेआउट के हिसाब से आपको खेलना पड़ेगा। ये मुझे काफ़ी मज़ेदार लग रहा है, देखना पड़ेगा अब ये कैसे चलता है। भाई ये तो रहा मैं मूव कर रहा हूँ, और यहाँ से पहले उठा लेते हैं कुछ गोलियाँ। एक स्नाइपर ले लेते हैं और एक एजॉल्ट राइफल ले लेंगे, यहाँ पे कार 98 ले लेते हैं और DP28 ले लेते हैं। उसके बाद जाते हैं यहाँ पर थोड़ी सी गोलियाँ उठा लेते हैं। स्कोप भी तो चाहिए होगा दिखाने के लिए, तो यहाँ पे एक 3X ले लो, एक 6X ले लो। काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है गाइस, ऐसा नहीं है कि धीरे है। मैंने कुछ वीडियोज़ में भी देखा था कि ये चीज़ ढंग से काम करती नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है। गाइस ये देखो यहाँ पर बहुत ही ईजी है, इस तरह से मैंने ये राइट वाला दबाऊंगा तो स्कोप खुलेगा और लेफ्ट वाला दबाऊंगा तो ये फायर करेगा। मैंने इस हिसाब से अपना लेआउट सेट किया हुआ है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल, यहाँ पे पता नहीं कौन बम फोड़ रहा है इसकी ऐसी की तैसी, इसे छोड़ो। भाई ये मैंने दबाया, ये स्कोप खुला, और जैसे यहाँ पर हेड पे एक बार आपको अभी सिंपल दिखा रहा हूँ, इसे दबाएंगे ये शूट करने लग जाता है भाई। ये देखो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है गाइस ये। एक बार अब हम कार 98 से शूट करके देखते हैं। मान लीजिए हमें कोई एनिमी दिखा, ये जूम करा और ये हेडशॉट, ये हम भाग रहे हैं यहाँ पर, मैंने ये जूम करा और ये हेडशॉट, ये सही है। ये दबाया स्कोप और यहाँ पर ये हेडशॉट ले लिया हमने। भाई जैसे हम भाग रहे हैं हमें एनिमी दिखा, हमने ये दबाया ये शूट, और इससे फ़ायदा ये है कि हम चलते चलते शूट कर सकते हैं, काफ़ी फ़ायदे की बात है ये। यार यहाँ पर स्मोक कौन कर रहा है यार, वीडियो बनाने दो ना मुझे। गाइस मान लीजिए ये बंदा है, ये चलता हुआ बंदा है,